प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना मुकाबिला मिशन जारी। कोरोना वैक्सीन को नहीं प्रधानमंत्री का बड़ बयान। प्रत्येक देशवासी को मिलिबो कोरोना टीका। राज्य गुड़ी का सह सामूहिक समन्वय रे टीकाकरण रणनीति प्रस्तुति। आगधाड़ी रो कार्यकर्ता को दियाजिबो प्राथमिकता। देशर प्रत्येक नागरिक पाखरे सहज और सुविधा रे पहुंचिबो वैक्सीन। दिल्ली उपरे सर्वोच्च फोकस। हजारे सज्जा विशिष्ट आईसीयू आवश्यक कहिले दिल्ली मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्रियों का अपना एक विशेष अनुभव होता है, पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों की एक विशेष दृष्टि होती है, क्योंकि इन चीजों को अगर आपके सुझाव मिलेंगे तो मेरा आग्रह है कि आप लिखित में अगर हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आज भी कुछ है सबने को ये हो ये हो ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे, ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी। कोई किसी पे थोप नहीं सकता है, भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार दिन राज्य मुख्यमंत्री का सह एक बैठक करी कोविड-19 रो नूतन स्थिति रो समीक्षा करिसंती। एही बैठक रे राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बादल एवं गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपानी व्यतीत केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह और केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जोग देते। बैठक में प्रधानमंत्री विशेष भाव कोरोना वैक्सीन देश में बहुत शीघ्र उपलब्ध हेब एवं यहां प्रत्येक देशवासी को दिया जीवो बोली घोषणा कर चुनती। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीनेशन की वैक्सीन के रिसर्च में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की एक डोज होगी, दो डोज होगी या तीन डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार के कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है उनका भी एक कंपटीशन है, दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं, WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है पूरी तरह संपर्क में है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। राज्य मुख्यमंत्री मानन का सह कोविड-19 स्थिति समीक्षा करी प्रधानमंत्री मोदी कहिचंती सुरक्षा आम पाई जेतिकि गुरुत्वपूर्ण, भारत निज नागरिक मानको जे टीका देव ता समस्त वैज्ञानिक मानदंड दृष्टिकोण रो सुरक्षित हेब कि नाही ताहा मध्य सेतिकि गुरुत्वपूर्ण। तेणु राज्य गुड़िक सहित सामूहिक समन्वय रे देशर टीकाकरण रणनीति प्रस्तुत करा जीव। एहा चढ़ा वैक्सीन रो उपयोग और स्टोरिंग पाई शीतल भंडार उपलब्ध कराइबा और सहज सुविधा रे प्रत्येक नागरिकक पाखरे वैक्सीन पहुंचाइबा ही मूल लक्ष्य हेब। एथिपाई टीकाकरण रो एक मिशन प्रस्तुत करने को प्रधानमंत्री राज्य मुख्य मान को आग्रह करिसंती। मिशन जरिया रे एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करी परस्पर समन्वय रे टीकाकरण कार्यक्रम को तुलाइबा को प्रधानमंत्री कहिसंती, जेपरिकि देश रे कोनोसी हिताधिकारी वैक्सीन पाइबरु वंचित हेबे नाही। सीएम केजरीवाल प्रधानमंत्री को दिल्ली रो कोविड-19 रो तृतीय तरंग शेष हेबा पर्यंत सहर रो केंद्र सरकारी डाक्टरखाना गुड़ी करे रोगी को पाई अतिरिक्त हजार आईसीयू बेड रो व्यवस्था पाई कहितिले। सेई परी अन्यन्य राज्य रो मुख्यमंत्री माने मध्य प्रधानमंत्री को कोरोना नियंत्रण
और वैक्सीन रा प्राथमिकता को आलोचना करथिले। देशरे कोरोना मुकाबिला सुचारु रूपे तुला जाइछि, जहां कि गत 6-7 मासर कोरोना कालर अनुभूति जोगु संभव होइछि। टेस्टिंग और ट्रेसिंग व्यवस्था को वृद्धि करा दिबा सह देशर बृहत रु बृहत मेडिकल ठारु आरंभ करी जिल्ला रो छोटो रु छोटो स्वास्थ्य केंद्र पर्यंत सबुठारे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर परिमाण वृद्धि करबा को प्राथमिकता दिया जिवो। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। कोरोना काल प्रारंभ स्थिति और वर्तमान स्थिति रे अनेक परिवर्तन घटी, तेणु कोरोना संक्रमण को काबू करने को हेले रणनीति रे मध्य परिवर्तन करने को पड़िबो बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। यहाँ पूर्व जो सबू राज्य कोरोना संक्रमण बेकाबू होई सेठारे जरूरी स्वास्थ्य सेवा पाई पीएम केयर फंड रु 2000 कोटी रो घोषणा करा जाइछि बोली प्रधानमंत्री एही बैठक रे जणाइछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।